नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जरूर मेरे साथ बने रहें। यदि इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर इस तरह के बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, आपका क्वेश्चन यदि इस फॉर्मेट का है कि पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस आर अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ध्यान देखिए इनमें से कोई दो टर्म हो सकते हैं, हो सकता है आर ना हो, केवल ये हो सकता है ये दोनों हो या ये दोनों हो, ठीक है, नीचे भी कोई दो टर्म हो सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर और ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं। यदि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है जो मैंने आपको ये लिए रखा है, यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो टेक्निक को समझिए। क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले नंबर को जो आपको दे रखा है न्यूमरेटर में, इसे आप ब्रेक करोगे, आप लिखोगे थ्री कॉस एक्स प्लस टू, इसे ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, ए नीचे वाला नंबर एज इट, कहने का मतलब है साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री एज इट प्लस बी नीचे वाले नंबर का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस सी। ध्यान रखें ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का है, आपको पता था ना, जब आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको ब्रेक करते थे ना, ए इसका डिफरेंशिएशन प्लस बी फॉर्मेट में, कुछ उस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो, कैसे ब्रेक कर रहे हो, ए नीचे वाला नंबर है इट, बी नीचे वाले नंबर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सी। अब आप यहां पर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये रहेगा थ्री कॉस एक्स प्लस टू इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई कर लो, यहां हो जाएगा ए साइन एक्स टू ए कॉस एक्स और ये थ्री ए, ठीक है ना, प्लस क्या रहेगा, बी कॉस एक्स माइनस टू बी साइन एक्स प्लस सी। अब आप इसको ऐसे लिख लो, थ्री कॉस एक्स प्लस टू इक्वल टू, यहां पर साइन एक्स के कोफिशियंट को एक साथ लिख लो, तो आप लिख सकते हो ए माइनस टू बी, साइन एक्स आएगा, अब कॉस एक्स के कोफिशियंट लिख लो तो क्या लिखोगे, टू ए कॉस एक्स, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी कॉस एक्स, अब क्या रह गया, अब ये कांस्टेंट रह गया और ये रह गया प्लस थ्री ए प्लस सी, ये कांस्टेंट है। अब आप यहां पर कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर साइन का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है साइन का कोफिशिएंट यहां पर ही है और यहां पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहां लिखना चाहो तो जीरो साइन एक्स लिख सकते हो ना इसको, भाई साइन एक्स का कोफिशिएंट यहां पर इधर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ए माइनस टू बी जो है वो जीरो के बराबर आएगा, राइट, और कॉस एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना, थ्री है, तो आप कहोगे टू ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, टू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और यहां कॉन्स्टेंट वैल्यू है थ्री ए प्लस सी और यहां पर है टू, तो यह आ जाएगा थ्री ए प्लस सी बराबर टू। अब आपके पास ये तीन इक्वेशन बन चुके हैं, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। जब आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, ए बी सी की वैल्यू आप इसमें सॉल्व करें, आप नीचे जो है आप ऊपर वाली इक्वेशन दो से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप इसे ले सकते हो टू ए माइनस का फोर बी बराबर जीरो, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव, ठीक है जी। अब आप b की वैल्यू को यहां पर डालेंगे तो a पता लग जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 2b, b कितना है, 3 अपॉन 5, तो a बराबर जो है आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 5, ठीक है। अब a की वैल्यू को आप यहां डालोगे तो c पता लग जाएगा, तो c क्या हो जाएगा, 2 माइनस थ्री इंटू ए, ए क्या है, 6 अपॉन 5, तो c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 18 अपॉन 5, तो हो जाएगा सी जो है माइनस का एट अपॉन फाइव,
तो आपने यहां पर ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, आप लिखोगे इस ऊपर वाले नंबर की जगह ए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6/5, 6/5 ठीक है, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 ए, इतना भाई ऊपर वाला नंबर आप ब्रेक कर रहे हैं, ए इतना नंबर प्लस बी, बी कितना है आपके पास, बी है आपके पास 3/5 और क्या है ये cos x माइनस 2 sin x और प्लस सी, सी कितना है -8/5 अपॉन, नीचे क्या रहेगा, नीचे आपके पास रहेगा साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया ना, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को आपने जो न्यूमरेटर था उसको ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक करा, ए नीचे ए एज इट डिनोमिनेटर एज इट, बी नीचे वाले का डिफरेंशियल प्लस सी, उस फॉर्मेट में जब आपने इसको ब्रेक करा तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो नंबर है वो इस तरह से ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन के 3 पार्ट बन चुके हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, जब आप इसको इसके नीचे लगाएंगे ना, जब इसको इसके नीचे लगाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 dx आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर dx से ध्यान रखें, प्लस ये 3/5 रहेगा बाहर और क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x, अब नीचे क्या रहेगा, ये रहेगा साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 और ये हो जाएगा -8/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos x प्लस 3 dx, ये नंबर आएगा dx। तो अब आप कह सकते हो कि i1 है, ये i2 है और ये कितना है i3 है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, तो i1 तो बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा 6/5x, ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन पार्ट हुआ आपका। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन को जब आप i2 को सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो ऊपर डिफरेंशिएशन है नीचे वाले नंबर का, तो आप दूसरे नंबर पर क्या करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 3/5 है और ये कितना है cos x माइनस 2 sin x है अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप sin x प्लस 2 cos x को t मान लोगे ना, जब ऊपर डिफरेंशिएशन दे रखा है तो नीचे वाला नंबर क्या मानोगे t, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस 2 sin x dx बराबर कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि i2 क्या रहेगा, i2 रहेगा 3/5 1/t dt, क्योंकि भाई इसकी जगह तो dt आ जाएगा, तो आप i2 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/5 log t, t की वैल्यू डाल दो तो आप कहोगे कि 3/5 log क्या रहेगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस सी, इतना रहेगा, ये आपके पास i2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास i3 रहा, i3 क्या रहा है, i3 रहा है आपके पास, ध्यान रखिएगा ये आपके पास i3 पार्ट है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आप i3 रखोगे तो आपके पास क्या रहेगा -8/5 इंटीग्रेट ऑफ दिस पार्ट 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, इसमें मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, जब खाली नीचे साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो साइन एक्स ही पुट करते हो, क्या 2 tan xy2 अपॉन 1 plus tan square xy2 और कॉस एक्स ही क्या पुट करते हो 1 minus tan square xy2 अपॉन 1 plus tan square xy2, ठीक है जी, पुट करेंगे तो आपके पास आगे यहां पर क्या आएगा, i3 बराबर आएगा आपके पास -8/5 1/sin x ये पुट करेंगे 2 tan xy2 1 plus tan square x by 2
प्लस 2 रहेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस 3 और डीएक्स। ये बस में अभी ध्यान रखें, साइन एक्स और कॉस एक्स इस तरह के टर्म्स हों तो आप क्या पुट करोगे, साइन की जगह पुट करोगे, कॉस की जगह पुट करोगे। अब आप जब एलसीएम लोगे इसका तो आपके पास फॉर्मेट क्या आ जाएगी, थोड़ा सावधानी से करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई थ्री क्या रहेगा, माइनस 8 अपॉन 5 रहेगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, यहाँ 2 टेन एक्स बाई टू आएगा, है ना, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, है ना, प्लस 3 आएगा, प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। भाई आप इसका ऐसे करोगे ना एलसीएम में, अब लोगे तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आई थ्री कितना आएगा, माइनस 8 अपॉन 5 आएगा, ये आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, ये आपके पास कितना रहेगा 3 है और ये 2 है, तो खाली टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 2, ये क्या हो जाएगा, और ये इतना बचा, प्लस क्या बचेगा 2 टेन एक्स बाई टू आएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना रहेगा डी एक्स रहेगा। ये फॉर्मेट यहाँ पर आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ टेन एक्स बाई टू को आप टी मान सकते हो, टेन एक्स बाई टू को आप टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1/2 डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर डी एक्स बराबर कितना आएगा 2 डी टी आएगा। तो आई थ्री जो है माइनस 8 अपॉन 5 आएगा, ये 2 डी टी आएगा अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे इसको आगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, क्या आ जाएगा नीचे, आई थ्री जो आपके पास आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1 प्लस 4, लिख लो इसको, और ये क्या रहेगा डी टी रहेगा। तो अब आई थ्री कितना रहेगा, माइनस 16 अपॉन 5 1 अपॉन टी प्लस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 2 स्क्वायर डी टी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आएगा ये आपके पास आई थ्री आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 5 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन ए प्लस कितना आएगा सी आएगा। तो आई थ्री जो आपके पास कितना आएगा माइनस 8 अपॉन 5 टेन इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कितना आएगा सी आएगा। टी क्या माना था आपने, टी माना था टेन एक्स बाई टू, तो आपके पास माइनस 8 अपॉन 5 टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस 1 अपॉन 2 प्लस क्या रहेगा सी रहेगा। बस में आ गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा, जो मेन क्वेश्चन था आपका ये था, ठीक है, इस ऊपर वाले नंबर को आपने ब्रेक करा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और ब्रेक करा था किस फॉर्मेट में, देखो मेन क्वेश्चन आपके पास ये था ना, आपने इसको ब्रेक करा था, ए नीचे वाला एज इट, बी नीचे वाले का डिफरेंस में प्लस सी, इसके नाम नीचे भी डिनोमीटर लगाया था, इसके नीचे भी डिनोमीटर लगाया था, इसके नीचे भी डिनोमीटर लगाया था, और अलग अलग पार्ट को आपने क्या करा इंटीग्रेट करा, ठीक है। थर्ड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपने साइन एक्स की जगह पर क्या रखा 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स ये क्या रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बातें आपने रखी, ठीक है। और उसके बाद आपने ईजिली क्या करा इसको इंटीग्रेट करा। बस में आ गई, यदि बस में आ गई तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।